हेलो जी, तो फिर आपने पिछली वीडियो में देखा कि हम कर रहे थे शादी की शॉपिंग, पर वो शादी की शॉपिंग नहीं थी, वो थी शूटिंग की शॉपिंग। शूटिंग हो रही है योशिकी की, जो कर रही है यहाँ पे इस होटल में। इसका नाम है क्या है, ग्रैंड ताज होटल। होटल नहीं, बेसिकली बैंक्वेट हॉल है। यहाँ पे एक म्यूजिक वीडियो का सीन शूट हो रहा है, जिसमें उसका एक छोटा सा रोल है। तो वो मॉडलिंग कर रही है, तो अंदर है, अभी चल रहा है। आपको चल के दिखाते हैं, हम भी चल के देखते हैं अंदर कैसे वीडियो शूट होते हैं यहाँ पे कनाडा में, और थोड़ा एक्सपीरियंस लेते हैं। पहली बार मैंने अभी तक कभी नहीं देखा। तुमने देखा? नहीं, शूट तो मैंने किया है। इसने तो किया है, मॉडल लोग आई भाई, कुछ नहीं पर किया है। शौक पूरा किया है। तो बस चलते हैं, फिर देखते हैं अंदर कैसे होता है। आइए फिर। खाना भी ले रही हूँ। बड़ा ताम जाम हो रहा। हम भी मॉडल बन जाते हैं जैक अंदर। करी मॉडलिंग वाली ऐसे कैसे, हमारे बस की नहीं है। बड़ा नेक्स्ट फन दो। हम है यहाँ पे आज शूट पे, एक म्यूजिक वीडियो का शूट है। दिस इज डे टू। फर्स्ट डे था एक यॉट पे, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल आउटडोर शूट। और आज है हमारा स्टोरी प्लस डांसिंग का शूट। नाउ दे आर सेटिंग अप थिंग्स, सो यहाँ पे बेली डांस सीक्वेंस है, उसके बाद स्टोरी लाइन है, एंड इट्स अमेजिंग। हालांकि यहाँ पे जो शूट्स होते हैं कनाडा में, दे आर लिटिल डिफरेंट देन द इंडियन शूट्स, बिकॉज इंडिया में प्रोडक्शन बहुत बड़ी होती है, सेट्स बहुत बड़े लगते हैं। यहाँ पे द क्रू इज़ रिलेटिवली स्मॉल एवरी टाइम, बट द वर्क इज़ प्रीटी फास्ट बिकॉज। और मैडम कह रही है हम बेली डांस करेंगे। हमने मेन डांस का उठा के हम करेंगे, ये सिखाएगी अभी। तो जी, ये जो है योशिकी, शी इज अ मॉडल, और इसके साथ साथ ये मेकअप में भी असिस्ट कर रही है इन लोगों को, क्योंकि ये मेकअप वगैरह मेकअप आर्टिस्ट भी है। और अभी शी इज हेल्पिंग जो बैले डांसर है उनकी, बड़ा सही डांस कर रही है। सिद्धू सकला अपनी जड़ी एड्डी वड्डी बैली हिला ला। बेली डांस वाला सीक्वेंस पूरा हो चुका है, अब बारी है योशिके के सीन की। तो अब वो पूरे क्रू के साथ डिस्कस करिए कि सीन कैसे शूट होना है। So let's start with your good name. Hi, my name is Victoria. Hey. You can find me on Instagram under the name of Victoria Rose Dance. We'll put the name here. Yeah. In the video. Yeah. So like, how did it start? So, like, is this your hobby or it's like... So, it started off as a hobby. Mm-hmm. I started dancing when I was 14. Wow. I got really interested in it through a talent show that I saw. And then I just continued learning and studying and studying with multiple mm-hmm. teachers throughout the year. And then my hobby kind of became something that I was able to turn into a job and wow. turn into something that I was able to do for a living. So this is your like full-time work, or you're doing something else apart from this? So I was doing this full time, but mm-hmm. I also recently graduated university, so thank you. So now I do both. So I do work mm-hmm. in finance as well on the side. It's nice to have a creative outlet mm-hmm. when working a business job 9 to 5, and then Absolutely. Use the weekends to kind of express yourself through art and dance Thanks. And music. It was really nice talking to you. Thank you. And you were really amazing out there. Thank you so much. I'm happy you were able to enjoy it. Yeah, definitely. And good luck for your future. Thank you so much. You as Thanks. Well. Thank you so much. और जी, फिर रिहर्सल्स पूरी हो चुकी हैं, अब बारी आ चुकी है फाइनल परफॉर्मेंस देने की। और योशिकी यहाँ पे अपना सीन कर रही है परफॉर्म। और फिर जब भी कुछ टाइम बाद चल के ये वाली वीडियो फाइनली रिलीज होगी, तो हम आप लोगों के साथ ज़रूर इसका लिंक शेयर करेंगे।
अब हम चले खाने. हमें कोई और काम नहीं, कोई और काम नहीं हमें. हम जिंदगी में खाने आए हैं, खाते खाते चले जाएंगे. मैडम हमें लेके जा रही है कहाँ? कैलिफोर्निया सुशी. सुशी, सुशी टाइम, सुशी टाइम. लास्ट टाइम भी हमें लेके आई थी यहाँ पे. ये हो गई कितना की बात, साल डेढ़ साल पुरानी बात हो गई है. नहीं, दो साल पुरानी बात हो गई. मुझे अभी तक याद था कि हमने यहाँ पे खाया था, खाना बहुत टेस्टी था, इसलिए हम दोबारा आ गए. जी जी जी, पूरी चीज़ हम बताते नहीं है ना, हम पूरी चीज़ खाते हैं ना बताते हैं. तो अब मैडम करेंगे ट्राई सारी सारी वाला. मुझे मैंगो तो आया नहीं. चलिए डिपेंडेंस हो ना. क्या यार, वैसे तो खा लेता है सारा कुछ. मुझे तो अपने के लिए जमाने की जल्दी बोलती है. मैंगो का फ्लेवर बहुत अच्छा है. ये होते रेगुलर सुशी खाने वाले लोग. मैंने ना काली विधवा, वो भी इतने टाइम बाद. या बहुत टाइम बाद. चलो देखे जाके. ये बड़े केड़े फैन है. केड़ी मूवी है? मार्वल. क्या मार्वल. सुशी कुछ कहोगे? मुंडा सेंटर रूसिया. क्यों? ये लड़का रूसिया है. रीजन? क्योंकि मैंने लेट करा दिया. क्यों? क्यों, मेरे को क्या पता था इसे आदत नहीं. नहीं, नहीं क्यों लेट कराया? मैं तैयार हो रही थी. ये कैसा, इसने पहले कुछ कहा नहीं जब तक मैं बाहर निकली दरवाजे से. तैयार मतलब? तैयार मतलब ठीक है, तैयार हो रही थी. तैयार मतलब तैयार हो रही थी. तूने कभी आदत नहीं डाली इसे तैयार होकर बाहर ले जाने की? मुंह उठा के चली गई. आदत नहीं है लड़के के वेट करने की. इतनी वेट करनी पड़ती है. अगर किसी को कॉन्फिडेंस बूस्ट चाहिए, अगर किसी लड़की को या किसी लड़के को कॉन्फिडेंस बूस्ट चाहिए, यहाँ पे गेड़ियाँ नहीं बचती, तो यहाँ आके 10 मिनट लगा के जाओ, पूरे हफ्ते के लिए कॉन्फिडेंट रहोगे. इंडिया के हर प्रांत का गाना आपको सुनने को मिलेगा लाउड पे मिक्स मेडले डीजे. गाड़ी में जितने साइलेंसर होते हैं सारे खुल के बोलते हैं. एक से एक गाड़ी आते हैं यहाँ पे, एक से एक ऐसे खड़े जाओ. हाँ आज दुनिया हम बड़ी मस्त चल रही है. हर गाड़ी में आपको टिमीज की कॉफी मिलेगी. वहाँ टिमी है, वहाँ से कॉफी उठती है. गाड़ियों में आके यहाँ पे गाड़ियाँ आगे पीछे. तुसी ने मारा थी गाड़ी आगे पीछे. डिप्रेशन ही नहीं हो सकता यहाँ पे रह के. एक बार गेड़ी तो मारो. का नाम है स्ट्रॉबेरी. स्ट्रॉबेरी कहाँ मिलती है? या स्ट्रॉबेरीज खड़ी होती है फिर गाड़ियाँ आसपास घूमती है. स्ट्रॉबेरीज हिलती हैं यहाँ पे. गाने का मेडली बनना इतने. चलो जी अभी गेड़ी निकली थी उधर से इधर, अब आगे से यू टर्न मार के गेड़ी आ रही है यहाँ से, फिर जाएंगे वहाँ. ये तीसरी बार है फिर ऐसे से चलता रहेगा. ऐसा नहीं था गेड़ियाँ मार रहे. यार मुझे ये नहीं समझ आती, उसे छोड़ गैस इतनी महंगी है ये तब भी फूंक सकते हैं. हम अमीर होते रहते हैं यार. ये मुझे लगता है 200 की तो रोज ही डाल देती है. मैं फिर वो प्रीमियम नहीं डलता होगा ना. नहीं यार, कई गाड़ियां तो बिल्कुल ही प्रीमियम. मेरे को समझ नहीं आती, शांति कैसे लगा रहे हैं सारे. एक से एक लाइनें बना के इसके बाद तू आएगा, इसके बाद मैं आऊंगा, ये गाना मेरी गाड़ी में, ये गाना तेरी गाड़ी में.
सबको रेडियो पे एक साथ आना चाहिए गाना अलग अलग बजाता लाते हैं कहते डीजे मिक्स होता है हर गाड़ी में अलग अलग हर गाड़ी में अलग अलग डीजे मिक्स पर बाय गॉड टीनेज इयर्स जवानी होती नहीं थी हम तो साइकिल पे घूमते थे तूने कभी गेड़ी मारी अगर 100 रुपए किसी ने गेड़ी मारी है तो उसके कमेंट में लिखना है क्योंकि हम ऐसे पकड़ने हैं मैंने कभी गेड़ी मारी शरीफ था मैं बहुत शरीफ था यार मैं भी शरीफ हूँ लोग तो खड़ी यहाँ पे हम तेरे पे गेड़ी मार ये पूछो किन्होंने चंडीगढ़ में गेड़ी रूट पे गेड़ी मारी है उसको याद कर तो यहाँ पे गेड़ी चंडीगढ़ उसने सिर्फ इस पे गेड़ी मारी है इसके लिए गेड़ी मारने आता था चंडीगढ़ स्ट्रॉबेरी हिल में ब्लैक विडो देख के और गेड़ी रूट देख के मजा आ गया हाँ अब हम कॉफी लेंगे तब तक के लिए और मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय।